बॉलीवुड फिल्मों के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के साजिश के आरोप में दर्ज पुनर्निरीक्षण वाद यानी रिवीजन केस पर शनिवार को एडीजी प्रथम राकेश मालवीय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शिकायतकर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा और आरोपित फिल्मी हस्तियों के अधिवक्ता साकेत तिवारी और प्रणव कुमार ने अपना अपना पक्ष रखा। फिल्मी हस्तियों के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर मामले में साक्ष्य के अभाव का हवाला दिया। वहीं शिकायतकर्ता ने मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने पुनर्निरीक्षण वाद पर फैसले के लिए 24 जून की तारीख तय की है। श्री ओझा ने बताया कि उस दिन पुनर्निरीक्षण वाद के अलावा आरोपितों पर कोर्ट को गुमराह करने के लगे आरोप के बिंदु पर भी फैसला सुनाया जाएगा। मामले में दोनों बिंदुओं पर दोनों पक्षों की ओर से लिखित और मौखिक रूप से दलील रखी जा चुकी है। कोरोना को लेकर वर्चुअल माध्यम से सुनवाई हुई। फिल्मी हस्ती संजय लीला भंसाली, सलमान खान, करण जौहर, एकता कपूर, आदित्य चोपड़ा, भूषण कुमार, दिनेश विजयन और साजिद नाडियाडवाला पर मामला चल रहा है। सीजेएम कोर्ट से मामला खारिज होने पर श्री ओझा ने जिला और सत्र न्यायालय में पुनर्निरीक्षण वाद दाखिल किया था।